भाग से मध्य प्रदेश में उसको देखने को हम लोग तरस गए और उस तरह के नतीजे नहीं आए। क्या कारण मानते? कारण एक दिन का नहीं होता है, उसके बहुत कारण है। सरकार न टिकना एक कारण है, 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली भारतीय जनता कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने के इच्छुक थे, दोनों बाप बेटे अब कौन थे ये आप लोग जाने, बहुत सारे लोग उनके साथ जाने को तैयार थे, चर्चा का विषय है। जी जी। तो एक साधारण कार्यकर्ता भी उसमें मजबूर होके सोचता था कि क्या है संगठन की क्या मानेंगे, मध्य प्रदेश संगठन में क्या कहीं कोई कमी रह गई क्या? देखिए संगठन के बारे में जिनको बहुत कम समय का काम करने का मौका मिला उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, उन्होंने कोशिश जरूर की होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हाई कमांड कुछ समय बाद समीक्षा करे और यहाँ पर किस रणनीति के तहत आगे चलना है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अगला चुनाव जब भी होगा उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और ये 29-0 वाला मामला खत्म किया जाए। जो संगठन में फेरबदल होता है, अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो आप क्या मतलब क्या लगता है कि जैसे संगठन में फेरबदल होना चाहिए, परिणाम ठीक नहीं आया अभी? देखिए ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करें ना करें, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। आप सीनियर लीडर होने के नाते आप क्या कहेंगे? भाई मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दे दिया था। जी जी। आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद सर। सर एक आखिरी सवाल, दो रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश में बने हैं, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस से बीजेपी में गए और दूसरा 29-29 हार गए। मैंने पहले कह दिया कि बहुत दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में इस तरह की हार कभी नहीं होती। मेरे पिताजी के समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 40 की 40 लोकसभा सीटें आई थी। आज दुर्भाग्य है कि हम लोग ये समय आ गया कि 29 की 29 और 11 में वहाँ मान ली जाए तो 10 वहाँ भी चली गई, एक ही बचे चरणदास महान जी की वाइफ, नहीं तो 29 सीटें भाजपा के खाते में है, ये दुर्भाग्य। सर आपके 2013 में जब हारे थे तो आपने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दिया था, अब जो हार हुई है इसमें भी इस्तीफा होना चाहिए? ये तो हाईकमांड तय करे। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,